हुआ या नहीं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमारा जो है डिवाइस सर्टिफिकेशन ये अब तीनों का तीनों पास हो गया है, कि अब हमारा जो डिवाइस का बूट रिस्पूफ का फीचर है वो भी यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। इसे कैसे फिक्स करना है इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने दो वीडियो दिया है, बट उसके बाद भी आपके कमेंट आते हैं कि भाई मेरे मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं हो रहे, फेल हो जा रहे हैं और ये पास नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जो कि आपको ध्यान में रखनी होती है, किसी किसी रेयर रोम के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ती है, और इन सभी का प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज की इस वीडियो में आपको दूंगा कि इसे आप कैसे ठीक कर सकते हो। इसलिए लास्ट तक जरूर वॉच करना ताकि ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाओ, बैंकिंग का ऐप कर पाओ। और इतना ही नहीं, आप अपने अंदर डिवाइस का जो यहां पे फीचर्स होता है ना अस्पूफ का, वो भी आप ऐड कर पाओगे। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है। और साथ ही साथ एक चीज का आप ध्यान जरूर रखना कि अगर आपके डिवाइस का ये जो TE अगर डेड है ना, तो इसे आपको फिक्स करना पड़ेगा। मैंने इसे ऑलरेडी वीडियो दे रखा है कि इसे कैसे फिक्स करना है, क्योंकि अगर ये आपका डेड रहा तो आप कितना भी कोई भी स्टेप क्यों ना फॉलो करते हो, आपका डिवाइस कभी भी सर्टिफाइड नहीं होगा। आप स्टॉक पे जाकर बूटलोडर को रीलॉक भी करोगे तो भी फिक्स नहीं होगा, तो पहले इसे रिपेयर करना पड़ेगा। मैंने वीडियो दे रखा है, देख लेना। अगर ये आपका रिपेयर है तो आप आज का प्रोसेस फॉलो करो, आपका डिवाइस सर्टिफाइड हो जाएगा, साथ साथ बैंकिंग ऐप आप यूज कर पाओगे, और साथ ही साथ यहाँ पर आपका ये तीनों पास भी होंगे। और जो जो प्रॉब्लम आती है, जैसे कि आप कंप्लेन करते हो कि मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं हो रहा है, फेल हो जा रहा है, वो सारी चीजें भी सॉल्व होने वाली है, क्योंकि स्टेप टू बिल्कुल ही सिंपल सा होने वाला है इस सभी को फिक्स करने से रिलेटेड। लेकिन कुछ चीजें जो कि आपको समझना होगा, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देखने को मिलने वाला है, इसलिए लास्ट तक वॉच करना, ध्यान से सुनना, समझना और फॉलो करना। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना और शेयर जरूर करना। यहाँ पे आप देखो सिंपल, पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मेरा डिवाइस यहाँ पे अनसर्टिफाइड है, क्योंकि यहाँ पे ये फिक्स नहीं है। और ये कैसे ठीक करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि कुछ कुछ रोम के अंदर आप जब डिवाइस सर्टिफिकेशन के लिए स्टेप फॉलो करते हो तो आपका तीनों पास हो जाता है, बट यहाँ पे ये फिक्स नहीं होता। तो ये भी चीज़ मैं करके दिखाऊंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। और यहाँ पे आप देखो कि अभी मेरा तीनों का तीनों फेल है। और एक चीज़ का आप ध्यान जरूर रखना कि जब आप ये पास कर लेते हो तीनों या दोनों, तो बार बार इसे रीचेक मत करते रहना, क्योंकि आप जितना ज़्यादा रीचेक करोगे उतनी जल्दी ये फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए इसे इग्नोर करना, बस फिक्स करना और यूज करते रहना। और यहाँ पे आप देखोगे अभी मेरा जो डिवाइस है वो भी स्पूफ वाला ऐड नहीं है बूट लॉक का। तो ये भी चीज़ मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा, यानी एक स्टेप से कई सारे आपके यहाँ पे काम होने वाले हैं। पहले आपको क्या करना है, अगर आप कोई ऐसा कस्टम रोम यूज कर रहे हो जिसके अंदर सेटिंग दिया गया है बूट लोडर स्पूफ का, जैसे कि यहाँ पे दिया गया स्पूफ प्ले स्टोर वगैरह का, तो इसे आपको ऑफ कर लेना इस प्रोसेस को फॉलो करने से पहले। किसी किसी में इस नाम से आपको देखने को मिलेगा प्ले स्टोर इंटेग्रिटी स्पूफ, तो ये आप ऑफ कर लेना। कुछ कुछ में होता है, कुछ कुछ में नहीं होता, ये चीज़ ध्यान में रखना। पिक्सल वाले रोम में नहीं होता, जिसमें एक्स्ट्रा मोटिवेशन है उसमें होता है, और हाइपर वगैरह के रोम में भी आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलती, लेकिन जहाँ पे है आप ऑफ कर लेना ताकि आपका ये काम ईजी तरीके से बन जाए। और अगर आप KACU से रूट कर रखे हो अपने फ़ोन को, तो उस पर भी ये सेम मॉड्यूल और प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। अगर आप मैजिक से यूज कर रहे हो तो उस पर भी सेम मॉड्यूल और प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। सारी चीज़ें यहाँ पे मैं इसे सामने लेके आता हूँ। रही बात रूट कैसे करना है, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो दे रखा है, आप उसे देख लेना, क्योंकि रूट करने के लिए मैं आपको प्रोसेस दिखाऊँ तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, इसलिए वो चीज़ें आप खुद से कर लेना। मैंने लास्ट वाले वीडियो में आपको दिखाया था रूट कैसे करना है, नहीं पता तो वो चेक कर लेना, लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। यहाँ पे मैंने रूट वगैरह कर लिया है, जो कुछ भी परमिशन देना था वो सब कुछ मैंने दे दिया है, बट आपको नहीं पता है रूट कैसे करना है तो इस वीडियो में मैंने आपको बता रखा है किधर गया ये वाला वीडियो, ठीक है, इसे आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा रूट कैसे करना है मैजिक से। अगर रूट का पता है तो ये सारे स्टेप का आप इग्नोर करना। अब सीधा क्या करना है, आपको आना है अपने मॉड्यूल के ऊपर। मैंने दो वीडियो ऑलरेडी दे रखे हैं, उनके मॉड्यूल भी मैंने आपको दे रखा है, और ये थर्ड वीडियो है। तीनों वीडियो के मॉड्यूल मैं यहाँ पे आपको ऐड कर दूंगा। ये रहा हमारा फर्स्ट का, जिसमें आपको जो सिलेक्ट डिसलेक्ट और यहाँ पे सिक्योरिटी पैच को अपडेट करना पड़ता था, उसके बाद काम बनता था, जो कि थोड़ा सा लॉन्गर था। उसके बाद शॉर्ट वीडियो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया था, ये जिसके ये सारे मॉड्यूल रहे, जिसमें आपका काफ़ी ईजी तरीके से काम बन जाता था। लेकिन अभी जो लेटेस्ट वाला है, इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे ये जो KACU वेब UI है, इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है मैनुअली अगर आप मैजिक्स यूज कर रहे हो तो। लेकिन अगर आप यहाँ पे KACU और KACU नेक्स्ट यूज कर रहे हो तो इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल करके एक बार ओपन कर लेना, रूट की परमिशन इसे आप दे देना, बस उसके बाद आप इसे क्लोज कर दो। और इसका शॉर्टकट मैं आगे रख लेता हूँ ताकि यूज करते समय दिक्कत ना आए, बार बार ड्रॉअर में नहीं जाना पड़े।
अब सिंपल आपको अपने मैजिक्स पे आ जाना है। आप देख सकते हो यहाँ पे जय जय हमारा नो है, तो यहाँ पे सेटिंग पे आके आपको इसे ऑन नहीं करना है। जब आपको प्रॉब्लम करेगा तब ऑन करना है, अभी पहले आपको ऑन नहीं करना। सिंपल यहाँ पे मॉड्यूल पे आएंगे, इंस्टॉल पे जाएंगे, और हमारा जो न्यू सेफ्टी नेट वाले मॉड्यूल है इनमें आपको देखने को मिलता है ये जैजेस 1 एंड 2, इन्हें आपको 1-1 करके सेलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट टाइम आपका मे बी ये इंस्टॉल नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे भी दिक्कत आ रहा था, उसके बाद ये फ्लैश होने लग गया। अगर आपका ये इंस्टॉल हो जाता है इस तरीके से तो अच्छी बात है, आगे आपको बैक आना है, यहाँ पे आना है और इसे भी इंस्टॉल कर लेना है, दोनों को 1-1 करके इंस्टॉल कर लेना। बट अगर ये एरर देता है तो सिंपल आपको यहाँ पे होम पे आना है, सेटिंग पे जाना है, इसे आपको ऑन कर लेना है और सिस्टम को रिबूट करके फिर से मैजिक्स के अंदर जो भी परमिशंस वगैरह मांगता है वो सारी चीज़ें ऑन कर लेना। और जैसे ही आप ऑन करोगे ना, उसके बाद यहाँ पे नज़र आने लग जाएगा जो कि आपका नो शो कर रहा है, ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपको इन मॉड्यूल को डाल लेना है दोबारा से। लेकिन अगर आपका यहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है तो आपको इस सेटिंग पे आके इसे ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ ध्यान में रखना। और ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ हमारे मैजिक्स के लिए है, केएसयू में इसे ऑन करने की ज़रूरत नहीं रहती, हमारे इस मॉड्यूल से काम बन जाता है। आई होप कि आप समझ गए कि जब एरर आएगा इंस्टॉल नहीं होगा तो क्या करना है। अब आगे बढ़ते हैं, सिंपल फिर से इंस्टॉल पे जाएंगे, जायजेस हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे जो ट्रिकी स्टोर है और ये प्ले है, इसे हम सेलेक्ट करेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे। ये आपका दोनों पे सेम तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा, KSU और यहाँ पे मैजिक्स के ऊपर। बैक आएंगे, इंस्टॉल पे जाएंगे, ट्रिकी स्टोर है इसे भी हम यहाँ पे डालेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। सिंपल बैक आना है, फिर से इंस्टॉल पे जाना है, और ये जो है ना ये अब एक लेटेस्ट अपडेट आया 1-2 दिन पहले, इसके पहले का थोड़ा ओल्ड था। अगर आप ओल्डर वाला डालते हो तो आपके सिर्फ और सिर्फ 2 ही सर्टिफाइड होंगे, तीसरा जो स्ट्रॉन्ग वाला है वो पास नहीं होगा। तो ये लेटेस्ट वाला मैं आपको फाइल दूंगा जो कि इसे सेलेक्ट करना है, इंस्टॉल करना है, और इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस में आपके डिवाइस का नेट ऑन होना चाहिए, क्योंकि ये कुछ चीज़ें फाइलें डाउनलोड करता है इंटरनेट से, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। जैसे ये कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगा इस तरीके से आपको रिबूट का साइन देखने को मिलेगा। अब कुछ नहीं करना, बस एक बार रिबूट कर लेना अपने डिवाइस को। जैसे आप रिबूट करोगे आपका केस या मैजिक्स जो भी था वहाँ पे आके एक बार चेक कर लेना कि सारे मॉड्यूल आपके एक्टिव है या फिर नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे मॉड्यूल हमारे एक्टिव है और कहीं पे भी कोई भी अपडेट शो नहीं कर रहा है। अब आपको क्या करना है, चेक करना है आपका डिवाइस सर्टिफाइड हुआ या नहीं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमारा जो है डिवाइस सर्टिफिकेशन ये अब तीनों का तीनों पास हो गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट मे बी इन फ्यूचर आपके सिर्फ 2 पास होंगे और तीसरा फेल हो सकता है, क्योंकि अगर इसे आप बार बार चेक करते हो तो इसे भी कैसे ठीक करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि अब हमारा जो डिवाइस का बूटलॉस प्रूफ का फीचर है वो भी यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। तो कुछ ऐसे एप्लीकेशन रहते हैं जो कि काम नहीं करते बूटलॉस अनलॉक होने के बाद, तो वो भी चीज़ अब यहाँ पे वर्क करने लग जाएगी। अनदर यहाँ पे हम बात करें डिवाइस सर्टिफिकेशन की, तो ये हमारा स्टिल अभी भी फेल आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए एक स्टेप आपको यहाँ पे अभी स्टिल फॉलो करना है ताकि ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो सके। तो यहाँ पे आप देखो ये कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर आपका कंप्लीट नहीं होता तो सिंपल इसके एसयू के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे जो है ना इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है फिक्स डिवाइस सर्टिफिकेशन, इस पर आपको टैप कर देना है। जैसे आप टैप करोगे एक यहाँ पे पॉपअप आ जाएगा, जैसे ही पॉपअप आएगा अब आपका जो प्ले स्टोर है वो फुल्ली क्लीन हो जाएगा, और जो भी फर्स्ट टाइम आपका परमिशन वगैरह मांगेगा वो दे देना, नहीं मांगता तो अच्छी बात है। उसके बाद आप जैसे जाके दोबारा चेकआउट करोगे तो आपका यहाँ पे जो डिवाइस सर्टिफाइड शो कर देगा। देखो यहाँ पे चेक करने के लिए ऑप्शन आ गया, मैं अब चेक करूंगा तो यहाँ पे दिखाया कि भाई आपका यहाँ पे सर्टिफाइड है। तो अगर आपका ऑटो हो जाता है जैसे कभी मेरा हो गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज एक्स्ट्रा जो KSU वेब है उसका यूज कर लेना, आपके यहाँ पे ये फिक्स हो जाएगा और आप कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप मजे से यूज कर सकते हो। लेकिन इन फ्यूचर अगर आपको यहाँ पे ये फेल दिखाता है तो आपको क्या करना है, इस पे आ जाना है, ये जो है ना इसके ऊपर टैप करना है, ये जो फैच PIFS इस पे आपको क्लिक कर देना है, ये आपका यहाँ पे अपडेट कर देगा सर्वर का अगर फेल होता है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। और यहाँ पे हर बार आपका जो डिवाइस नेम दिखाई दे रहा है ना पिक्सल फोल्ड ये चेंज होता हुआ नजर आएगा, तो उसे आप इग्नोर करना, बस इसे कंप्लीट होने देना। कंप्लीट हो जाने के बाद सिंपल आप अपने KSU मैजिक्स के ऊपर आ जाओ और यहाँ पे जो एक्शन बटन है इस पे आप क्लिक कर दो, वॉल्यूम अप एंड डाउन का ऑप्शन आता है, आप वॉल्यूम अप पे प्रेस कर दो, यहाँ पे एक बार फिर से रिफ्रेश कर देगा सारी चीज़ों को, और जो भी आपका 1-2 पास दिखा रहा है, तीसरा पास नहीं दिखा रहा, वो सब कुछ आपका जो नॉर्मल हो जाएगा। और इसके बाद आप सिस्टम UI को एक बार चाहो तो रीस्टार्ट भी कर सकते हो। अब यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल ही सिंपल तरीके से हो गया है, तो मैंने जो बताया वो ध्यान रखना सारी चीज़ें करने से पहले। अगर आपका है जो कोई भी मॉड्यूल एरर देता है तो आप यहाँ पे जायजेस को ऑन कर लेना है मैजिक्स के अंदर, KSU में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती ऑन वगैरह करने की, आपके सिर्फ मॉड्यूल से ही काम बन जाएगा। और दूसरा, अगर आप कोई भी ऐसा कस्टम रोम यूज कर रहे हो जिसमें आपको जो स्पूफ का फीचर दिया गया है जो कि हमारा ये रहा, तो इसे आपको ऑफ कर लेना, क्योंकि अगर ये ऑन रहेगा तो आप कितना भी मॉड्यूल क्यों ना डाल लो ये आपका पास नहीं होगा।
और अनदर प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके डिवाइस का ये जो TEE ब्रोकन है तो पहले इसे फिक्स करना पड़ेगा, अदरवाइज सब कुछ फेल रहेगा। और रही बात इसे कैसे हम चेक करेंगे, तो एक मोमो नाम का एप्लीकेशन आता है जो कि मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, उसे इंस्टॉल कर लेना और ओपन कर लेना, वहाँ पे आपका दिखा देगा अगर ब्रोकन रहेगा तो। अगर ये नहीं दिखा रहा है, इसके अलावा कुछ भी चीज़ें शो कर रहा है, तो टेंशन मत लेना, आपका ये नॉर्मल है, फिक्स करने की जरूरत नहीं है। अगर टूटा हुआ है तो डायरेक्ट इस तरीके से लिख देगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि कैसे क्या क्या करना है, और सारे मॉड्यूल मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में जो कि आप यूज कर पाओगे। तो यहाँ पे तीन टाइप के मॉड्यूल के कलेक्शन हो चुके हैं, एक पहला जो कि ये रहा जिसका मैंने पहला वीडियो दे रखा था, दूसरा ये वाला जो कि ये भी बिल्कुल सिंपल था, और तीसरा ये ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप वो चीज़ें सॉल्व कर सको। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, कीप स्माइलिंग एंड कीप सपोर्टिंग।